जी स्वागत है आपका जिनवाल फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड देखिए, आज थोड़ी सी नानी की तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसे हॉस्पिटल लेके आए हैं। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो यहाँ पे है इमरजेंसी में आए हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो रानी लेटी हुई है, उसके इंजेक्शन लगाया दर्द का भी। देखिए मैम अभी बाहर गई हैं कि रानी के इंजेक्शन लगाए, सो रही है, उसके पेट में बहुत दर्द हो गया था रानी का बहुत ज़्यादा। मैं और दीजा लेके आए हैं घर पर, ये अभी नहीं आया ड्यूटी से और अभी कोई भी नहीं आया। मैं और ये जीजा बाहर बैठे हैं, मैं रानी के पास हूँ। मैम अभी ऊपर गई तो डॉक्टर तो आएंगे बताएंगे, फिर अभी इंजेक्शन आया, उन्होंने बोला थोड़ा आराम कर लेंगे ना, फिर थोड़ी देर बाद ले जाना। देखते हैं क्या किस चीज़ का बैगा, अभी चेकअप होगा। आराम है? दर्द हो रहा है। दर्द है? हॉस्पिटल हमारे घर के थोड़ी सी पास है, थोड़ी सी दूर है, इसी में आ गए हम इमरजेंसी में, जल्दी जल्दी में। अच्छा है ये हॉस्पिटल। जो बैठे हुए हैं बोर हो रहे हैं। सब ठीक है तो है मैम, सब ठीक तो होगा। चलो जल्दी बात है जी, बस चुकराने। हेलो, हमें घर चल। हाँ जी, हमें घर चल, मेरे को घर जाना। चलो चलो, नहीं मैं रानी को तब चलेगा ना, तो ज्यादा खराब थी तो हॉस्पिटल लेके आया उसको। रानी जल्दी कर। देखे सारे में घूम लिया, अल्ट्रासाउंड होना जरूरी है और अल्ट्रासाउंड वाली दुकान सारे बंद है, बंद तो नहीं है, खुली है। सब कह रहे हैं कि सुबह का टाइम होगा, तो हम बहुत दुकान घूम लिए हैं, बहुत परेशानी भी हो गई है, बस यही थोड़ा सब ठीक हो, अल्ट्रासाउंड इसे लेकर आ रहे हैं। ये हमने खुशी सोची नहीं थी लेकिन अचानक से मिली, बहुत अच्छी खुशी मिली ये भी। समझ सकते हो, एकदम से नहीं बता सकते हो, एकदम से नहीं बता सकते आप लोगों का क्या रहेंगे सब, है ना। तो चलिए अभी हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, फिर आपसे भैया अभी हम आए थे ना, बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा था। तो अल्ट्रासाउंड वहाँ अपने हॉस्पिटल में नहीं होता, मिल गया हमें। पूरी जी टीवी छान मारी और पूरा पता नहीं कहाँ का झालपुर जी टीवी जिसमें मिला, बस लास्ट यही था। कौन सा महीना मैम? अभी पता चला है, अभी पता चला है, 30,000। मेरी तो डेट ऐसी दिक्कत हो रही है। वॉशरूम है? हाँ, ये किसकी वीडियो बनाई जा रही है? ब्लॉग, ब्लॉग, ये ब्लॉग है यूट्यूब पे। The next day, मेरे डॉक्टर साहब बताए तुम्हें, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है।
अरे तुम ही बता दो उनको, बेचारे को कोई परेशानी नहीं। मेरे को नहीं पता भाई इनके बारे में। तुम जब भी सूजन दिखाते हो क्या है? कितने महीने हो गए पूछ रहा हूँ। ये कितना हुआ? डेढ़ महीना हो गया। पांच हफ्ते। मैं तो तू उसमें क्या लिखा सो पढ़ नहीं पा रहा। जय बाबा जय बाबा ने तो लाके फंसा दिया बीच में। कैसे हो गए? के फ्रेंड कल ना रानी का अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी चीज आई थी कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन अभी कंफर्म नहीं था। तो फिर ब्लड टेस्ट करवाया हमने, ब्लड टेस्ट करवा के शो था, लेकिन अब रानी को दोबारा पेट में दर्द उठ गया है। तो आज फिर लेके आए हम रानी को हॉस्पिटल, लेकिन ये हॉस्पिटल दूसरा है। तो अब देखो मैं तो ये हमारे मम्मी भैया हैं, पता ही होगा आपको, देखा भी होगा आपको, बता भी रखी है इनके बारे में। तो रानी का भी थोड़ा इंजेक्शन लगाता है, आराम है। अब डॉक्टर नहीं आ रही है, चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या बात है क्या नहीं। मम्मी ने रखी है मैम, आपके नमस्ते नमस्ते। फिर प्रॉब्लम है आज फिर गई कि नहीं? वहाँ नहीं गए थे, डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर नहीं है वहाँ? इंजेक्शन लगाया था बस दर्द का। कल भी नहीं थी डॉक्टर? कल भी नहीं थी डॉक्टर, है ही नहीं। नहीं, हम तो इमरजेंसी में दर्द उठा था ना मेरा अचानक से, तो सिर्फ उन्होंने इंजेक्शन लगा के भेज दिया था। अल्ट्रासाउंड लिखा था, अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा आया ही नहीं। अल्ट्रासाउंड में कुछ आया नहीं? नहीं। फोन वाली रिपोर्ट दिखाऊं? जी जा, फोन वाली रिपोर्ट देना। आज किट में भी आया है उसमें? नहीं आया। कब था इस बार? जनवरी में। जनवरी में? जनवरी में आया। इसमें तो प्रेगनेंसी आ रही है, फिर अल्ट्रासाउंड में क्यों नहीं आ रही है? इसमें भी आई है। तुम्हारा शुगर तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इसमें। पहले था शुगर? हाँ जी शुगर है, थायराइड भी है। थायराइड भी है, शुगर भी है। अच्छा, और शुगर की प्रॉब्लम कब से है? अच्छा साल, पांच साल हो गए ना पापा को खत्म हुआ। चार साल से शुगर है। शुगर तो पिछले दिनों में कंट्रोल होने लगे थे, इतने दो दिन से दवाई नहीं खाई। दवाई नहीं खाई क्यों? किस खुशी में? किस खुशी में दवाई नहीं खाई? जब शुगर ये ना पूरा वैसे ही वो खाती है, करेले का बीज वगैरह टाइप के मसाला, वो खत्म हो गया तो ना गोली खाई ना वो गई, वही बना के जब भी खाऊंगी। आराम पड़ रहा है, आराम पड़ रहा है। खाली करेले का बीज से कंट्रोल हो गया? दो दिन होते नीम की नींबोली मेथी दाने। शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा दवाई से, समझे? आज जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो इंसुलिन भी लगेगा, ये मैं बता दूं, पहले से दिमाग में बैठा लो। हैरानी की बात है कि इसमें 2000 आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आ रहा है। दर्द भी बहुत ज्यादा उठ रहा है अचानक से, यहाँ पे बहुत तेज की दर्द। देखना पड़ेगा, तुम्हारा अंदर से अल्ट्रासाउंड तो नहीं हुआ ना? ये नहीं, या अंदर से अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा कि कहीं ट्यूब व्यूब में तो बच्चा नहीं है। पहले कभी इन्फेक्शन हुआ है तुमको? ना, रानी का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, पहले तो पेट का हो गया था, अंदर से करेंगे डॉक्टर। तो रानी अभी फ्रेश हो गया, मैम ने बोला फ्रेश हो गया, अब जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ रानी के साथ, दुआ लगाना कि ठीक हो। क्या छोटी होली है, सब पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे देखो पूजा हो रही है, लेकिन अभी हमारी भाग तो हो रही है। और ये भी ड्यूटी से आ गए हैं इंटरसी, लेकिन मैं भी आ रहा हूँ हॉस्पिटल में, बात कर रहे हैं और रानी का हो रहा है अल्ट्रासाउंड, तो सब ठीक हो। मुझे टेंशन हो रही है, सब ठीक हो, नली में ना हो बस, बच्चेदानी में ही हो बच्चा तो ठीक है। अभी कम टाइम है, पाँच हफ्ते का अभी, तो दर्द क्यों हो रहा है? ये टेंशन हो रही है, दर्द नहीं होना चाहिए। तो ये ब्लॉग डालेगा बहुत बाद में,
आज छोटी होली है, बस होली मैया बस सब ठीक करके जाए हमारे। अभी देखो मैंने रानी से बोला मगर ठीक थोड़ा दर्द आराम मिल जाए तो चलेंगे होली की पूजा करके आएंगे। अभी हमने होली की पूजा नहीं करी है। बच्चा खराब हो गया है, अल्ट्रासाउंड किया है, अल्ट्रासाउंड में तो बच्चा धनी से खिसक के नीचे आ चुका है, ठीक है, तो अब तेज रुकेगा नहीं और खराब हो चुका है। और इसका कारण इनका शुगर भी हो सकता है, तो मैंने ना दर्द की ही गोली दी है, दो गोली अभी ले ले, और छह घंटे का फिर दो गोली ले ले, तो उससे क्या है कि वो निकल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड रानी को मैंने पात बना के दिया है, तो रानी पात खा रही है क्योंकि पेट साफ होगा, बहुत गर्म है। हाँ तो गर्म गर्म खा, खा ली। अब थोड़ा घूम ले, चल जा छत पे। जाऊंगी अभी मैं, थोड़ा सा आराम कर लूं, मैं रख से बैठ अभी ना। आराम मत कर रानी, अब गर्म गर्म खा, थोड़ा घूम ले, घूम ले थोड़ा। जी सर सो रहे हैं। फ्रेंड डॉक्टर ने बोला था कि अब तो खराब हो गया, शायद शुगर से हुआ या पता नहीं कौन सी लापरवाही हुई है हमसे, तो कोई नहीं, तो एक महीने वो दवाई खिलाएंगे, इलाज करेंगे, शुगर थायराइड सब लेवर में लाएंगे, मतलब सब ठीक हो जाएगा ना। तो उसके बाद वो ढाई तीन महीने बाद, आपने देखा होगा व्लॉग में शायद, मैंने बनाई है कि नहीं बनाई मुझे नहीं पता, जितना मेरे से हुआ मैंने सब चीज़ दिखाया आपको और ये रियल है। और हमें कल ही पता चला था कि रानी प्रेग्नेंट है, नहीं तो हमें नहीं पता था, कहीं आपको ये लगे कि हमें पहले पता चल रहा है। उसके पेट में दर्द उठा था रानी के, तो रानी के पेट में दर्द उठा था तो मैंने डॉक्टर ने से पूछा, डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन लगा देते हैं दर्द का, तो मैंने उनसे बोला। चलो ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ, मैं बाद में बताऊँ, मेरी मन सभी नहीं कर रहा बताने का, मैं बता, अभी मेरे को नींद भी बहुत आ रही है और खाना भी बना रही हूँ, लेट हो रही है, तो इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ मैं।